गुड मॉर्निंग। हेलो, देखिए हम पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने हमारे क्षेत्र पढ़े थे। क्षेत्रों के बाद में हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे जो आर्थिक वृद्धि है वो आर्थिक वृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि कोई भी देश है वो देश उसकी जो जीवन स्तर है, अर्थात एक तरीके से हम कहें कि उसकी जो संसार है उसके आधार पर, उसकी जो भौतिक स्वरूप है उसके आधार पर जो हम देश हम देशों को दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है विकसित देश और दूसरे होते हैं विकासशील देश। विकासशील देश, ठीक है, आप जानते हैं विकसित देश किसे कहते हैं या विकासशील देश किसे कहते हैं। विकसित देश का मतलब ये होता है जिन देशों का विकास संपूर्ण हो चुका है, उनका विकास पूर्ण हो चुका है, अर्थात प्रति व्यक्ति क्या है, उनका जो जीवन स्तर है, जीवन कैसा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, वो सभी में उनका उच्च स्थान होता है, वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जबकि जो पिछड़े रह जाते हैं वो उनको हम विकासशील देशों की श्रेणी में लेते हैं। तो ये जो उनकी भौतिक स्वरूप है, अर्थात हम कहें तो उनकी भौतिक सुविधाएं हैं, अनुमानित कर देते हैं कि ये देश इसका विकास हो चुका है, इसका विकास नहीं हुआ है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा, अर्थात कुछ देशों में क्या जो विकास की अवधारणा है उस विकास की अवधारणा में केवल राष्ट्रीय आय को अनुमानित कर लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। राष्ट्रीय जो आय होती है उसे एक देश की स्थिति पता चलती है, जबकि उस देश में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है उस स्थिति का पूरी तरीके से क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय आय है इस राष्ट्रीय आय से संपूर्ण देश की जो स्थिति है उसी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। इस वजह से एक प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। इस प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो सभी नागरिक है उनकी जो गुणवत्ता है उसका अंदाजा उसका पता लगाया जाता है। तो इसके आधार पर इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ये जो उत्पादन और जो आय होती है उसको बढ़ाया जाता है, अर्थात उसको उच्च स्तर का करना होता है। और ऐसी जो प्रक्रिया होती है, इस तरीके से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आर्थिक वृद्धि के नाम से जानते हैं, अर्थात प्राकृतिक भौतिक मानवीय और पूंजीगत इनके आधार पर किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसमें कुशलता अर्जित करके उसका उपयोग करना, उत्पादन को बढ़ाना,
बात करते हैं हम आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास में क्या होता है, किस फॉर्म में वास्तविक आय, अर्थात जो वास्तविक आय होती है उस पर बल दिया जाता है और प्रतिव्यक्ति आय पर बल दिया जाता है। वास्तविक आय प्लस प्रतिव्यक्ति आय दोनों पे बल देंगे तो क्या होगा, जो देश है उस देश की एक समृद्धशाली जो स्थिति है, समृद्धशाली स्थिति का हम पता कर सकते हैं, समृद्धशाली स्थिति का हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें कि जो व्यापक उदाहरण है अर्थात ये तो एक सीमित उदाहरण और ये क्या है एक व्यापक उदाहरण है, अर्थात ये क्या है एक व्यापक उदाहरण है, एक बड़ी उदाहरण है, एक व्यापक उदाहरण है। ठीक है, जबकि जो आर्थिक वृद्धि होती है ये सीमित होती है, ये मूल्यवीन होती है, ये मूल्यवान होती है, अर्थात जो विकास होता है आर्थिक विकास ये मूल्यवान होता है। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात जो आर्थिक विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, साथ ही हम कह सकते हैं धनात्मक प्रवृत्ति में होती है, किसमें होती है धनात्मक प्रवृत्ति में होती है, अर्थात जो आर्थिक विकास है वो हमेशा किसमें चलेगा, धनात्मक प्रवृत्ति में चलेगा, जबकि ये धनात्मक में चल सकती है ऋणात्मक में भी चल सकती है, इसमें केवल मात्रा पर, लेकिन इस पर जो गुण होते हैं अर्थात ये गुणात्मक होती है, इसमें गुणों पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो इनके आधार पर हम ये अंतर कर सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय आय पर बल दिया जा रहा है, केवल राष्ट्रीय आय पर बल दिया जा रहा है तो वो तो क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय आय को छोड़कर अगर हम इस पे एक पे बल नहीं दें, वास्तविक आय पर भी बल दें प्लस प्रति व्यक्ति आय पर भी बल दें, तो उससे हम जब आंकड़े निकालते हैं तो देश की एक समृद्धशाली जो स्थिति होती है उसका पता चलता है। ठीक है, साथ ही ये क्या होता है, मात्रात्मक होती है, अर्थात आर्थिक वृद्धि किसमें, इसकी गणना किसमें होती है, मात्रा में होती है, जबकि आर्थिक विकास किसमें होता है, ये गुणात्मक होता है, इसके गुणों को देखा जाएगा। इसके बाद ये मूल्यहीन होती है, जबकि आर्थिक विकास मूल्यवान होता है, अर्थात आर्थिक वृद्धि क्या होती है, मूल्यहीन होती है और आर्थिक विकास मूल्यवान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्थिक वृद्धि में सामाजिक राजनीतिक और संस्थागत जो ढांचा होता है उसमें किस तरीके से परिवर्तन हुआ, इसमें बल नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल आय पर बल दिया जाएगा, केवल और केवल आय पर बल दिया जाएगा या आय के बारे में इसमें हम पता करेंगे, जबकि जो आर्थिक विकास होता है इसमें जितने भी जो क्षेत्र होते हैं उसमें किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, कम किसमें है, ज़्यादा किसमें है, इन सभी के बारे में हम अनुमान लगाएंगे, सभी के बारे में पता करेंगे। ये मात्रात्मक भी है, साथ ही ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों, जबकि ये हमेशा धनात्मक होता है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, हमेशा ये निरंतर चलता है। अब हम आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात कि ये जो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास हमने पढ़ा है, तो सबसे पहले हम पहले इसके बारे में जाने कि विकास क्या होता है, विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो विकास का मतलब ये होता है कि विकास का मतलब क्या होता है, देखिए विकास किसे कहते हैं, भूतकाल, भूतकाल तथा वर्तमान काल में जो अंतर दिखाई देता है उसे ही हम, उसे ही
विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक परिभाषा तो हो गई इसके ना, एक परिभाषा और लिख सकते हैं हम, एक और लिख सकते हैं कि जीवन को पहले से बेहतर बनाना ही विकास है। जीवन को पहले से बेहतर बनाना है क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जो विकास इसके बारे में जाना कि भूतकाल और वर्तमान काल में, भूतकाल और वर्तमान काल में यानी कि पिछला जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है और वर्तमान काल, इन दोनों के बीच में जो अपने को अंतर दिखाई देता है ना, क्या क्या परिवर्तन हुआ, पहले किस तरीके से थे, अब कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, क्या क्या अंतर हुआ, तो ये सब क्या है? ये विकास है। ये सब क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और जीवन को